अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 2.5। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम ले लेते हैं और जो इंक्लूड है इस दफ़ा। तो इसमें जो सी पार्ट इंक्लूड है, जी एंड एच इंक्लूड है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें जिसके पार्ट इंक्लूड है वो ए सी डी एंड ई है। ए सी डी एंड ई एंड क्वेश्चन नंबर 3 में इंक्लूड पार्ट जस्ट ओनली ये है। अगर आप इसके बाकी भी जैसा ये वाला पार्ट है ये रह गया, अगर ये वाला आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह ही है। सिमिलरली अगर इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में इसका ए पार्ट इंक्लूड है, अगर बी वाला आप करना चाहो तो वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने लिखना है, लेकिन ये जो है ना, ये -2 से -2 एंड 3 जो है, ये इसके रूट्स हैं। मीन्स ये इसके आंसर निकल, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर निकलते हैं, एक्स की दो वैल्यूज निकलती हैं, तो ये एक्चुअली इसके ये दो वही वैल्यूज हैं। अब आपने वही बताना है कि इसका असल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी है। इसके लिए आपने पेज नंबर 32, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको आपने बनाना कैसे है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मीन्स जो रूट है आपने उसको ऐड कर देना है, और एक तब आपने रूट को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है और ये इसका सम है, तो आप जो भी इसका प्रोडक्ट और सम निकालोगे आपने जस्ट इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको अभी करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसके जगह पे आप कैपिटल एस भी लिख सकते हैं, और इसके जगह पे कैपिटल पी। एस मीन सम एंड पी इज द प्रोडक्ट। तो आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं -2 एंड 3। जो अल्फा है इसमें, लेट्स सपोज अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। ये इसके दो रूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द सम एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इक्वल टू +1 आ जाएगा। सिमिलरली जिसका जब प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे तो पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इन्हीं दो रूट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज इक्वल टू -2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 इट इज इक्वल टू -6, ठीक है। जस्ट आपने इस वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ आप इस पे हो या इस पे हो, दोनों में जिसमें भी आपने पुट करना है, तो इसमें इसकी आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फार्मूले लगाने के बाद आपने जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वेयर एस इज 1 एंड पी इज इक्वल टू -6, ठीक है। जस्ट सिंपल सा, इतना सा आपने इसका काम कर देना है। सिमिलरली आपने ये भी करना है, लेट सपोज कि इसमें भी आपने यही ए को अल्फा ले लें किसी ए को, और किसी ए को आप बीटा कंसिडर कर लो। लेट सपोज 1 + iota इज अल्फा एंड 1 - iota इज द बीटा। नो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपके पास यहाँ पे 2 रह जाएगा। एंड जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फार्मूले में भी आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपने पुट कर दी है एंड देन बीटा। अल्फा इज 1 + iota एंड बीटा इज 1 - iota। तो ये वैसा ही फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह, तो आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - iota स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 1 - iota स्केयर -1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। नेक्स्ट टाइम में जाके ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वेयर एस इज इक्वल टू 2 एंड पी इज आल्सो इज इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जस्ट। सिमिलरली जो एच पार्ट है ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है इसका, लेट कर देते हैं दिस अल्फा इज इक्वल टू 3 + √2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 - √2। आप किसी को भी रूट ले सकते हो, ठीक है, इसको अल्फा कर सकते हो और इस वाले को आप बीटा कर सकते हो।
नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने वही वही फार्मूला लगा देना है, ठीक है। एस मीन सम, तो आपने इन दोनों का सम कर देना है। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन, और विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट इज, ये भी सेम वैसा ही है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फार्मूले से आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस स्केयर टू 2 इसका स्केयर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। सिमिलरली आपने इसी फार्मूले में इसको पुट कर देना है और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वेयर एस इज 6 एंड पी इज इक्वल टू 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, इसके जस्ट रूट्स हैं, तो आपने फाइंड करना है कि अगर ये वाले रूट्स मीन्स ये वाले और ये वाले इसके अगर रूट्स हो जाएं तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। गिवन इसमें इक्वेशन क्या है, वो ये वाली इक्वेशन है। नाउ इन पार्ट ए, अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। अब गिवन जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, पहले इसको ले लेते हैं, गिवन है। अब इसमें अल्फा और बीटा आर दी रूट्स। अब अगर अल्फा और बीटा अगर इसी के रूट्स हों, ठीक है, तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा अगर हम इसका फाइंड करें, और इसी इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब बी के साथ बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस 3 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि x के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, विच इज इक्वल टू प्लस 3। सिमिलरली इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है c डिवाइडेड बाय a, वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, और यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, मींस इसका आंसर सिर्फ 6 आएगा। अब देखिए 3 और 6 आ रहा है। अब पार्ट ए में एक ये वाली, एक ये इसका रूट है और एक ये इसका रूट है, तो इस एक वाले रूट को और दूसरे रूट को जब आप इसका सम निकालोगे, तो इसका जब सम निकालेंगे, इसी में सामने इसका सम निकाला है, ठीक है, ये यहाँ पे एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा आ जाएगा, ये इसका सम और प्रोडक्ट है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब हमारे पास ये दो रूट है, अब इस दो रूट को भी अब आपने सम कर देना है, ठीक है, तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो इसी को ही आपने लेना है, जस्ट बीच में आपने प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए अगर आप इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा साथ में प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने ये करना है, 2 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 जो हमने निकाली थी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे प्लस 2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 टू 6, 6 प्लस 2 इज 8, तो यहाँ पर इन्हीं दो रूट को जब आप इसका सम निकालोगे विच इज इक्वल टू 8, एंड प्रोडक्ट के लिए आपने इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट्स आपने ज़रूर लगानी है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसी फर्स्ट टर्म को आपने सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1। आगे जो सिंपल कैलकुलेशन है आपने इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आपने पुट कर देनी है यहाँ से आप, और यहाँ से आपने जो है 2 को कॉमन निकाल देना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पुट कर देनी है जो कि 3 है, ठीक है, आगे आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। आप देखिए एस और पी फाइंड हो गया है। अब इसी इक्वेशन में
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बनाना है इसी में आप इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? इस गिवन क्वेश्चन में इसे देखें, जो इक्वेशन गिवन थी इसी में से आपने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है? तो इसी सम और प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए अब आप आगे जाके जो इनके जो ये रूट हैं इसमें आप इसको इसमें आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जब इसका सम निकालेंगे इन्हीं रूट का, जब सम निकालेंगे और जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें इन्हीं दो वैल्यू को आपने पुट कर देना है, तो ये इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। कि आपने इक्वेशन को ले लेना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है, इसमें आपने एस वन पी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अब इसको भी सॉल्व करते हैं सी डी एंड ई पार्ट को। हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने इस इक्वेशन को लिखना है, ठीक है? इस इक्वेशन का आपने सम भी निकालना है और उसका प्रोडक्ट, इसके रूट का सम एंड प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कि यहाँ पर जो 1/α एंड 1/β ये अगर टू रूट्स हैं तो आपने इसका सम भी निकालना है और इसका प्रोडक्ट भी, तो बीच में जस्ट प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने दोनों का एलसीएम लेना है क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है। एलसीएम जो इसका आ जाएगा वो हो जाएगा अल्फा बीटा, और इसका नोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस एंड बीटा। नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा जो इस इक्वेशन से हमारे पास जिसकी वैल्यू निकली थी वो 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय एंड अल्फा बीटा इज 6, जो जो किसका प्रोडक्ट निकला था वो कि 6 है, इज इक्वल टू नेक्स्ट आगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब इसका प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन्हीं दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज 6। अगर ये दोनों रूट थे तो इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड हो गया है। अब आप उसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो ये वाली इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वेयर एस इज इक्वल टू 1/2 एंड पी इज इक्वल टू 1/6। अब जस्ट आपने यहाँ तक इसको नहीं रहने देना, ठीक है? इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसके जो डिनोमिनेटर है आपने इसको ख़त्म कर देना है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे, आप देखिए इसका इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में जस्ट 6 है, या फिर आप सब आप इन सब का एलसीएम निकालो या फिर सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? जब आप इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 6 आ जाएगा और इस एक्स के साथ यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा, ठीक है? तो ये इसकी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इन डी पार्ट इसको भी सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आपने इसी तरह यहाँ पे भी करना है कि सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो आपने वही गिवन इक्वेशन ले लेनी है और इसी का आपने सम और इसके रूट का सम एंड प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लेना है। इसके बाद नाउ जो आपके पास जो गिवन जो क्वेश्चन में जो रूट है इसको आपने यूज़ कर देना है, अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका एलसीएम ले लेना है अल्फा बीटा, एंड नोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है? ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अब आपने सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर देना है। जब आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो इसी दो रूट को आपने ले लेना है, ठीक है? अब रूट हमारे पास कौन से, अल्फा डिवाइड बाई बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा है, ठीक है? जब इसका आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो प्रोडक्ट में ये अल्फा और नीचे जो डिनोमिनेटर में अल्फा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है? अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वेयर एस इज इक्वल टू -1/2, -1/2 है तो फार्मूले का माइनस और ये जो हमने एस निकाला है इसका माइनस, ठीक है? इसको पॉजिटिव बना देगा एंड पी इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो, यहाँ पर आप देखिए 2 आ रहा है, तो आप इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरी क्वेश्चन को जब आप लिखोगे
यहाँ पे तो इस एक्स के साथ यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे वन के साथ यहाँ पे टू आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली अब ई पार्ट इसका करते हैं, ये टू आर दी रूट्स, आपने वही वाले सारे स्टेप स्टार्ट वाले आपने कर देने हैं, ये सारे आपने लिख देना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे आप इसको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी इज इक्वल टू 3 एंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका आप एलसीएम फाइंड करो, अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ पर नोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर दें 3 एंड 6, एलसीएम का निकालें, आगे 7/3 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने जो है ना इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, आप देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है एंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दें विच इज इक्वल टू 3, इसका एलसीएम फाइंड कर लें जो कि ये वाला इसी तरह से निकलेगा और 3/6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3/6 की वैल्यू निकल आएगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाए इसको सॉल्व करें 3/2 हो जाएगा। अब आपने उसी तरह उसी इक्वेशन में आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो सम था ये 7/2 निकलता था, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 7/2 लिखें, 3 नहीं आता था। और यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आप देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, आपने इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। इन क्वेश्चन नंबर 3 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, अब देखिए इसमें भी इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आपने अल्फा बीटा जो है अगर ये रूट है इसके, तो यहाँ से अब आपने बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने इसका सम भी निकालना है इसके रूट का और इसका प्रोडक्ट भी निकाल देना है, देन फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है। अब आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, अब आपने इसकी इक्वेशन जब बनानी है तो उसमें इसके रूट्स क्या होंगे, गिवन रूट्स वो ये होंगे, सिमिलरली बिल्कुल वैसे आपने इसको सॉल्व कर देना है। इसका जस्ट ये एक ही पार्ट इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 3 का, अगर आप सेकंड भी करना चाहो तो सेकंड भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी की तरह ही है। अब इसमें जो गिवन इक्वेशन है पहले इसको आप ले लें, देन सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी डिवाइडेड बाय जो ए है, जो बी पार्ट है वो x के साथ जो कोफिशेंट होता है वही होता है, यहाँ पे x के साथ जो कोफिशेंट है विच इज इक्वल टू p माइनस p डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू माइनस p। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c डिवाइडेड बाय a वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू q एंड a इज द 1। नाउ अब यहाँ पे जो रूट है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, सिमिलरली आपने यहाँ पे भी इसका सम फाइंड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा, और नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने ऊपर फाइंड की हुई है, ठीक है। इसका सम निकल आएगा एंड p इज इक्वल टू इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाके इसकी जगह पे आप लिख भी सकते हो अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज q, तो मीन्स यहाँ पे इसका q का स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इसी तरह ये लिख देना है, सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये वाली इसकी इक्वेशन है, एस और पी की जगह पे आपने जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q वेयर पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सिमिलरली आप इसका बी पार्ट भी करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलरली आपने इसी तरीके करना है।
ये इसके सारे इसके पार्ट्स हो गए हैं। इसके अलावा कोई और भी अगर क्वेश्चन अगर समझना हो आपने या किसी भी एक्सरसाइज को समझना हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।